मनीष हमारे सहयोगी जुड़े हैं आज फाइनल बेट देने के लिए। मनीष बताएं कौन से स्टॉक में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। धन्यवाद दादा, समान तौर पर जिम्मेदारी आप निभाते हैं, रोज फाइनल बेट आप ही देते हैं। तो आज के लिए मैंने भी एक फार्मा कंपनी लिया है, हिकाल होगा, जिसमें मुझे लगता है कि अगले कुछ मिनटों में या अगले 20-25 मिनट में एक मजबूती देखने को मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि आज देखिए सेकेंड हाफ में जैसे बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आई, छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में जोरदार रिकवरी देखने को मिली है और उसमें लगता है कि हिकाल एक स्टॉक है जो परफॉर्म कर सकता है। इसकी वजह है देखिए शेयर जो है मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीते 2-3 दिनों से हमने देखा था कि शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसका बेहद सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। आज के ट्रेड में देखिए शेयर में अभी तक बहुत तेजी देखने को नहीं मिली है, से बहुत ज्यादा गिरावट में देखने को मिली, एक बेहद रेंज में ट्रेड का। तो वैसे में लगता है कि कुछ एक छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स जिसमें तेजी नहीं आई है, बड़ी तेजी के बाद वापस से तेजी आती हुई दिख सकती है। हिकाल होगा अगले 20-25 मिनट के लिए, इसमें तेजी की गुंजाइश है। 220 रुपए का लक्ष्य होगा, 209 रुपए, 205 का मैंने स्टॉपस दिया था, आप उसको चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। चलिए हिकाल निश्चित रूप से रिकवर करता हुआ एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, स्मार्ट पुल बैक दे रहा है। और जो फार्मा स्टॉक्स मरीज बात कर रहे हैं वहां पर आज अच्छी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है, चाहे छोटे फार्मा स्टॉक्स हो या फिर बड़े फार्मा स्टॉक्स। आशीष जी फैक्ट आज हिकाल तो निश्चित रूप से पुलबैक दे ही रहा है, लेकिन स्ट्राइड, सन फार्मा, ल्यूपिन ये स्टॉक्स भी आज डेरिवेटिव मार्केट में काफी स्ट्रॉन्गली एक्युमुलेटेड स्टॉक साबित हो रहे हैं। कोई स्टॉक फार्मा से अभी जो आपको पसंद हो? देखिए बेस बन रहा है बट अभी तक के कोई बड़ी स्ट्रेंथ के चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली देखिए बायोकॉन अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और स्टॉक में ऑलरेडी 11% का ओपन इंटरेस्ट में आज इजाफा देखने को मिला है, तो यहाँ पर पे डेफिनेटली एक इंटरेस्ट बना हुआ देखने को मिल सकता है। 1050-1060 के टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर में हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा पिक मेरा होगा डिवीज लैब के अंदर में, जो एक काफ़ी स्टेबल काउंटर है और इसके अंदर में मेरी समझ है कि आज थोड़ी जरूर गिरावट देखने को मिली है बट ओवरऑल मुझे लगता है इसके अंदर एक ट्रेंड अच्छा बना हुआ है, तो 1250 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन डिवीज में बनानी चाहिए, 1320 के स्तर इसके अंदर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस बीच आपको एक ट्रेड बताते हैं, आई मीन ठीक है ये स्टॉक अभी मेरे नजर पड़ा, जरा आप एक देखिए बड़ा शानदार ब्रेकआउट, जरा आप एक बार देखिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन को 57.75 पे 6.25% ऊपर है, नो डाउट, आई मीन 6.25% ऊपर है तो दिखाएंगे प्लीज एक बार 57.75 पे, लेकिन 57.90 ये 59 रुपये का प्राइस ना एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, 58-59 रुपये का प्राइस ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो साल है ना इसने इसी रेंज में गुजार दिया, लेकिन फाइनली आप वॉल्यूम्स देखिए, इसका प्राइस बिहेवियर देखिए। आशीष आई थिंक मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग जाके इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को स्ट्राइक करा, मैं बहुत देर से कुछ ढूंढ रहा था तब जाके बात कर रहा हूँ मैं इस स्टॉक पर। क्या कहेंगे आशीष आप, वॉल्यूम्स देखिए 60 के ऊपर कोई बड़ा मूव ड्यू है इस स्टॉक में? देखिए बेस अब तो डेफिनेटली बना रहा है और अच्छा वॉल्यूम्स भी इसके अंदर में देखने को मिला है, पर जैसा आपने कहा बिल्कुल 60 के ऊपर ही इसके अंदर में मैं पोजीशंस रिकमेंड करूंगा। 60 के ऊपर अगर से निकलता है तो डेफिनेटली एक अपटिक 64-65 तक देखने को मिल सकती है और डाउन साइड में तब 58-59 एक अच्छा सपोर्ट इसके अंदर में साबित होगा। साथ ही साथ आज एक बार जो लिस्टिंग हुई है उसको भी फटाफट से आपको अपडेट दे दें कि ये आज काफ़ी एक्युमुलेट हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक और दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब लिस्ट होता हुआ नजर आया, इससे मैं पहुंचता हुआ नजर आया एंड्योरेंस टेक 572 जी बिल्कुल 572 पे लिस्ट हुआ था, वो बात कर रहा हूँ 100 रुपए के आसपास के गेंस दिखे थे लेकिन उसके बाद जिनने बेच दिया होता उनको अफसोस होता है, उसके बाद एक तरफ 40 स्टॉक में देखने को मिली। पर इसमें अक्सर कहा जाता है कि यार कोई बात नहीं आपने पैसा कमाया, जिस बेचारे ने आपसे खरीदा हुआ उसका भी कमाने का हक है, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है कोई बात नहीं अच्छी लिस्टिंग। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें एक वरुण बेवरेजेस इसका भी आईपीओ खुल रहा है, आई मीन थोड़ा सा उसको भी लेके बात कर लेते हैं और मिस्टर रवि जयपुरिया चेयरमैन वरुण बेवरेजेस के हमारे साथ है बात करने के लिए। याद रखिए प्राइमरी मार्केट पे पैसा बन रहा है और एग्जैक्टली हमारे जो संवाददाता है तरुण शर्मा उनसे बात करी इस कंपनी को लेकर उनकी मैनेजमेंट से, आई सुनते हो एक बार। वरुण बेवरेजेस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन सर। 1100 करोड़ का आप इशू लेकर आ रहे हैं, 1600 करोड़ के आसपास का डेट है, पोस्ट लिस्टिंग कितना डेट पे रिपे हो पाएगा? करीब क्लोज टू 700 करोड़ डेट हम लोग रिपे करेंगे और हमारा बाकी डेट जो भी है उसमें से 600 करोड़ पेप्सिको को हमने देना है जो हमको नेक्स्ट 2 साल में देना है और वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट है हमारा। सर इसके साथ एक्सपेंशन प्लान क्या है, क्योंकि एशिया एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में आप लोग डील करते हैं, तो कितने डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा और कौन कौन से डेमोग्राफिकली कौन कौन से एरियाज में इसको बढ़ाएगा? सी अभी तो हमने एक मेजर एक्विजिशन लास्ट ईयर करा है
तो हम उसी को फोकस कर रहे हैं, उसमें ही अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं और उसी के अंदर एक्सपेंशन करेंगे। अभी बहुत रूम है हमारे पास और उसके बाद अफ्रीका में हम एक नया प्लांट जिम्बाब्वे में लगा रहे हैं। इसके साथ वॉल्यूम ग्रोथ पे यदि आप बात कर सकें, कितना वॉल्यूम ग्रोथ आप देख रहे हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स हैं 80% मार्केट है इस समय, कितना ग्रोथ आपको आगे और दिख रहा है? ग्रोथ तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लेड है अभी इन कंट्रीज में, जहाँ पे हम सब जगह पहुँचे ही नहीं हैं, तो जैसे जैसे हम और अपनी रीच बढ़ाएंगे, बेटर पहुँचेंगे, तो ग्रोथ कोई रीज़न नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। और फिर जीडीपी और जो आपकी रेनफॉल ठीक हुई है उसके बाद ग्रोथ तो अच्छी आती हुई दिखती है। बाकी तो देखिए कर्ज भुगतान के लिए रकम का इस्तेमाल किया जाएगा 1100 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ और 700 करोड़ जो है उसमें से कर्ज भुगतान के लिए इस्तेमाल होंगे। प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो है 440 से 445 रुपए प्रति शेयर। 600 जो है अगले दो साल में पेप्सिको को देना होगा 600 करोड़ रुपए। पिछले साल कंपनी ने अधिग्रहण किया था वरुण बेवरेजेस का। वरुण बेवरेजेस मच अवेटेड आईपीओ है, लेकिन एक सेक्टर जो पिछड़ रहा है आज वो है टायर स्टॉक्स। अगर आप ये स्टॉक्स देखें तो ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। सभी स्टॉक्स जेके टायर, सीएट, एमआरएफ, अपोलो, ये दिन के निचले स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं। डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़े क्या कह रहे हैं? ऐसे जैसे नजदीक आ रही है सीरीज, वैसे वैसे प्रॉफिट बुकिंग और एग्जैजरेट हो रही है। आशीष जी, क्या टायर स्टॉक्स में अब निचले स्तर से कुछ पुल बैक एक्सपेक्टेड है या फिर बिकवाली और बढ़ेगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि थोड़े रेंज बाउंड ही रहेंगे, कोई बड़ी गिरावट के अभी तक के संकेत नजर नहीं आ रहे। जहाँ तक मेरा मानना है कि साइडवेज रह सकते हैं, 2-3% की एक रेंज इन स्टॉक्स के अंदर में रहेगी। इवेंचुअली ट्रेंड ऊपर की तरफ का बना हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि एक बार कंसोलिडेशन होने दीजिए और उसके बाद में एक अच्छे वॉल्यूम के बाद मेरा ये मानना है ये स्टॉक्स वापस एक अप ट्रेंड की ओर ही नजर आते। तो एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं है, वेट कीजिए। थोड़े दिन के बाद मुझे लगता है एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद क्लियर ट्रेंड इनके अंदर में देखने को मिलेगा। आशीष, ये शुगर स्पेस में कोई स्टॉक आपको जहन में आ रहा है? आई मीन बहुत दिनों से हमने शुगर पे बात नहीं करी, बलरामपुर चीनी आज करीब 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। शुगर बास्केट पे कोई ट्रेड विजिबल है? आई मीन सिंस कुछ देर पहले हम फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे, तो मैं फर्टिलाइजर्स के साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे शुगर स्पेस की बात करना चाह रहा था, एग्री कमोडिटीज पे थोड़ा सा, इस स्पेस से बास्केट में कोई ट्रेड? नहीं वीरेंद्र, मैं मेरी नज़र में ऐसा कोई अभी पिक इस पूरे स्पेस में नज़र नहीं आ रही। चलिए अभी थोड़ा सा इंडेक्स पे आते हैं और डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं, वायदा कारोबार के आंकड़े क्या कह रहे हैं। और देखिए बाजार बड़े एक क्रिटिकल लेवल पे है, यहाँ पे ऑप्शंस के साथ हम क्या काम काज कर सकते हैं। पहली चीज़ देखते हैं, देखिए कि आज कॉल राइटिंग किस प्रकार की है, क्या आज के इस पॉज को कॉल राइटर्स ने यूज़ किया है क्या, क्या वो ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बाजार यहाँ थोड़ा ठहरेगा? तो क्या है ना कि 8700 का कॉल राइटर उस क्रम में एक्टिव हो जाएगा, 8800 का हो जाएगा, 8600 की कॉल, 8700 की कॉल दिखाइए एक बार, 587,000 और 10 रुपए प्रीमियम कम हुआ, 17% स्लाइड हुआ, दैट मीन्स हाँ थोड़ी बहुत राइटिंग है उस वो देखिए जो डाउट है ना 8720 के पार होने का, उसका वो आई थिंक कहीं ना कहीं बेनिफिट ले रहा है, तो वहाँ पे राइटिंग है। और 8800 की कॉल में 225,000, तो राइटिंग तो है, नो डाउट डिसाइसिवली राइटिंग है यहाँ पर। लेकिन आते हैं नीचे, अगर आप देखें पुट्स एग्जैक्टली क्या कर रही हैं, इसमें 8700 की पुट इन द मनी पुट को देखेंगे और 8600 की पुट को देखेंगे और 8500 की पुट को देखेंगे। 8700 की पुट दो रुपये भी हम बढ़ा है यहाँ पर और लगभग 200,000 से जुड़े हैं, ये इन द मनी पुट है। 8600 की पुट जहाँ पे कल सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई थी, यहाँ पे आज भी 400,000 शेयर बिके हैं। आई मीन 39 रुपये के प्रीमियम पे, जब प्रीमियम फ्लैट है तो मैं यही कहूँगा कि ये बिके ही हैं। तो ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि डाउनसाइड यहाँ से सिवियर नहीं है, लेकिन अपसाइड तब तक कैप्ट है जब तक 8720 आप डिसाइसिवली बीच ना कर दें। आशीष, ये यहाँ पे ऑप्शंस के साथ अगर मुझे काम काज करना है तो मैं क्या करूँ इस वक्त? 8700 के आसपास जिस तरीके से पॉज ले रहा है मार्केट, क्या 8800 की कॉल बेचना और नीचे 8600 की पुट बेचना, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करना बेनिफिशियल होगा इस वक्त? देखिए मार्केट का मूवमेंट तो वही सजेस्ट करता है कि शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना चाहिए, बट डेफिनेटली अगर से आप ऑप्शंस के प्रीमियम को देखें तो वोलेटिलिटी 13-14 के आसपास चल रही है, जो कि काफ़ी लोअर एंड पे है, और लो वोलेटिलिटी के अंदर में प्रीमियम आपको काफ़ी कम खाने को मिलेगा, और कोई शार्प अपटिक वोलेटिलिटी के अंदर में आएगा तो ये प्रीमियम्स भी जल्दी बढ़ जाते हैं। बट उस सब के बावजूद भी अगर से देखा जाए तो जिस तरह की रेंज बाजार ने बनाई है उसको देखते हुए मुझे लगता है जब तक बाजार डिसाइसिवली 8750 को ऊपर में और नीचे 8500 के लेवल को नहीं ब्रीच
करता है तब तक ये शॉर्ट स्ट्रैंगल की जो स्ट्रैटेजी है वो आप बनाकर रख सकते हैं। जब भी बाजार इस किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे तो वहां पर पे इस स्ट्रैटेजी से बाहर आना जरूरी होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक स्टॉक का जिक्र कर रहा था, एक राशि मोटर्स, एक बार फिर से अपडेट दे दूं कि ये स्टॉक अब दिन के उच्चतम स्तर पे है और लग रहा था अंतिबाजी जब शुरू हुआ था उसी के दौरान कि ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, तब 800 के लेवल पे था, 823 के लेवल पे। एक स्पाइस जेट और देख लेते हैं क्योंकि इसमें भी मूव अभी भी आया। ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर कामकाज कर रहा है, स्पाइस जेट में अच्छी खरीदारी हो रही है। और एक और स्टॉक है इंडियन बैंक जिसमें मूव स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, इंडियन बैंक में भी निचले स्तर से खरीदारी बन रही है। एविएशन स्टॉक्स पे क्या और तेजी बढ़ सकती है, स्पाइस जेट या फिर जेट एयरवेज, इंडिगो, कोई स्टॉक पसंद है आशीष जी आपको? नहीं देखिए, मेरा मानना है कि ऑयल काफ़ी स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा है और जिस तरह से क्रूड ऑयल कंसोलिडेट हुआ है $50 के आसपास, उसको देखते मुझे लगता है 50 के ऊपर जैसे ही ये जाएगा तो कम से कम 10-12% की बढ़त उसके अंदर में देखने को मिल सकती है, जो कि पूरे एविएशन सेक्टर के लिए नेगेटिव रहेगी। और हम देख रहे हैं ऑलरेडी स्पाइस जेट, जेट एयरवेज एक लोअर ट्रेंड के अंदर में बने हुए हैं, बीच बीच में थोड़ा पुलबैक आता है, बट इवेंचुअली इनका अगर से आप ट्रेंड देखेंगे वीकली मंथली चार्ट्स पे तो ये डाउन है, तो मैं समझता हूँ इन स्टॉक्स से अभी लॉन्ग पोजिशन अवॉइड करनी चाहिए। चलिए अब साक्षी हमारे साथ न्यूज़रूम से हैं आज, जो एग्जैक्टली बीटीसी ट्रेड्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए। साक्षी बताइए, की कॉल्स के साथ उन्होंने दोनों ही बीटीएससी ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं। पहली पिक इनकी एनएमडीसी पर है जहां पर खरीदारी के लिए टारगेट्स बताया 127 के, स्टॉप लॉस हमें लगाना है 120 का। जुबिलेंट फूड्स पर भी ये पॉजिटिव है, टारगेट बताया खरीदारी के लिए 1150 का और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 1050 का। नीरव छेड़ा की तरफ से अगली दो कॉल्स हैं और ये दोनों भी बीटीएससी ट्रेड्स ही इन्होंने रेकमेंड की है। यहां पर कावेरी सीड्स पर खरीदारी करने की राय दी है, टारगेट बताया है 465 का, स्टॉप लॉस हमें 428 का रखना होगा। साथ ही एलएनटी फाइनेंस भी इनको अच्छा लगता है और खरीदारी के लिए जो टारगेट्स बताए उन्होंने 110 के हैं, स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 98 का। आखिर की दो पिक्स आशीष क्याल की तरफ से हैं, यूपीएल लिमिटेड इनको अच्छा लग रहा है, बीटीएससी ट्रेड रेकमेंड किया है, यहाँ पर टारगेट बताया 735 और स्टॉप लॉस बनाने के लिए कहा है 685 का। रेमंड लिमिटेड पर भी पॉजिटिवली बेट करने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बताया है 685 खरीदारी के लिए और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा 605 का।